हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दिस होल सिस्टम, और वी से द हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम, स्टार्ट्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, एंड दिस हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो नोन एज सुप्रीम कमांडर ऑफ ग्लैंड्स और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। इन दिस व्हाट इज हैपनिंग इज hypothalamus releases GnRH, that is gonadotropin releasing hormone, and ये act करेगा anterior pituitary gland पे, और ये anterior pituitary gland FSH secreting cells and LH secreting cells को stimulate करेंगे FSH release करने के लिए and ICSH और LH hormone release करने के लिए। Here FSH stands for follicle stimulating hormone secreting cells and LH stands for luteinizing hormone secreting cells. So anterior pituitary gland will act on follicle stimulating hormone secreting cells to release follicle stimulating hormone, and anterior pituitary gland will also act on luteinizing hormone secreting cells to release ICSH, that is interstitial cells stimulating hormone, और LH, that is luteinizing hormone. ये ICSH जो term है हम mainly use करते हैं males के लिए, and LH, that is luteinizing hormone, is term mainly used for females. Then FSH then will act on Sertoli cells, and ICSH will act on Leydig cells. Sertoli cells will release two substances, inhibin and ABP, that is androgen binding protein, and Leydig cells will release testosterone, right? Okay, see now, as we know that testosterone is required for spermatogenesis, and Leydig cells are the cells that releases testosterone, but they are at the interstitial spaces, yahan seminiferous tubule ke bahar hain. लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है, तो टेस्टोस्ट्रॉन को भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाना चाहिए। सो ये काम कौन करेगा? ये काम किया जाएगा बाय दिस हार्मोन एबीपी, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दिस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन विल बाइंड विथ टेस्टोस्ट्रॉन एंड विल टेक इट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एट द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। Now, when the sperm count is reached a certain point, ठीक है, जब sperm count एक certain limit या एक certain point तक पहुंच गया होगा, तो inhibin and testosterone will give a negative feedback. ये क्या करते हैं? inhibin और testosterone will act on hypothalamus and pituitary gland, और कुछ time के लिए वो इनसे FSH and ICHS release करना पॉज कर देंगे, ठीक है, मतलब इनका जो फंक्शंस होगा कुछ टाइम के लिए हॉल्ट हो जाएगा, और ये FSH और ICSH रिलीज नहीं करेंगे, जिससे कि आगे और स्पर्म ना बने कुछ टाइम के लिए। फिर कुछ टाइम बाद ये प्रोसेस, ये पूरा साइकिल वापस से रिपीट होगा। नाउ सी, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय टेस्टीज, पर ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी के लिए भी, है ना। एंड प्यूबर्टी में क्या होता है? ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, और ये मेल्स में आता है 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज पर। एंड ये चेंजेस क्या लेके आता है बॉडी में, ये देखिए, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रॉटम, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है, फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं, वॉइस थोड़ी भारी डीपन हो जाती है बिकॉज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, एडम्स एप्पल आपने देखा होगा निकल के आता है, मसल एंड बोन्स डेवलपमेंट इंक्रीजेस एंड इंक्रीज इन हाइट ऑल्सो।